अपने से ताकतवर दुश्मन को छेड़ना अपनी तबाही को न्योता देना है, लेकिन ईरान लगातार अमेरिका को उकसा रहा है। ईरान ने अब अमेरिका पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। इस हमले के बाद अमेरिका एक बड़े मिशन की तैयारी में लगा हुआ है और उसका अगला टारगेट ईरान का कोई शहर हो सकता है। पुतिन ने जिस दिन रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, ठीक उसी दिन पुतिन ने एक और शपथ भी ली थी। ये शपथ थी अमेरिका का विनाश। वो अमेरिका जिसने सोवियत संघ जैसे बड़े और विशाल देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसी विशाल देश में पैदा हुए पुतिन ने अपनी आंखों के सामने अपने देश को बढ़ते और बिखरते, तबाह और बर्बाद होते हुए देखा। ये दर्द और तकलीफ पुतिन जैसे राष्ट्रवादी लीडर की आंखों में आज भी नजर आती है, और इसीलिए पुतिन ने एक सपना देखा, एक कसम खाई कि अमेरिका का भी वही हाल करेंगे जो सोवियत संघ का हुआ था, यानी जैसे को तैसा जवाब देंगे। और पुतिन ने अपने इस सपने को साकार करने के लिए अपना एक जिगरी दोस्त चुना है, जिसका नाम है ईरान। ईरान भी पहले से अमेरिका का सताया हुआ है, और चाणक्य नीति के मुताबिक दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और इसी कूटनीति पर चलते हुए रूस ईरान की हर वो मदद कर रहा है जिससे अमेरिका का विनाश हो सके, और ये विनाश भी शुरू हो चुका है। ईरान ने अमेरिका पर 24 घंटे के अंदर दो बड़े हमले किए हैं। इस हमले में अमेरिका के एक कॉन्ट्रैक्टर की मौत हो गई है और अमेरिका के 5 सैनिक घायल हो गए। आखिर कैसे पुतिन ने ईरान को शाबाशी देकर अमेरिका पर हमला करवाया? आखिर ईरान ने कौन से ड्रोन से हमला किया कि अमेरिका का माना हुआ एयर डिफेंस भी फेल हो गया? आखिर ईरान ने कैसे स्टेल्थ ड्रोन बना लिए हैं जो अमेरिका के रेडार को भी चकमा देने में कामयाब हो गए हैं? आखिर क्यों वॉर रूम के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन काफी परेशान और बेचैन दिख रहे हैं? इन सब सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका पर किए गए ईरान के ताबड़तोड़ हमले की। पुतिन की जिंदगी का एक ही मकसद है, अमेरिका को नेस्तोनाबूद करना, और ईरान की सरकार का भी एक ही मकसद है, अमेरिका को मिडल ईस्ट के मुस्लिम देशों से बाहर निकालना। अमेरिका ने अपने कई बेस सीरिया के अंदर बना रखे हैं, और इन्हीं में से एक बेस है कोनोको। 23 मार्च को ईरान के एक ड्रोन ने सीरिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट हिस्से में कोनोको में एक एयर स्ट्राइक की। इसी हमले में अमेरिका का एक कॉन्ट्रैक्टर मारा गया। 45 मिनट के अंदर ईरान ने दो हमले कर दिए। पहला हमला रात 10:39 पर किया और दूसरा हमला रात 11:23 पर किया, और इसके बाद अगले दिन 24 मार्च को ईरान ने ड्रोन हमलों और एयर स्ट्राइक की झड़ी लगा दी, और अमेरिका का बेस पूरी तरह से कांप गया। अमेरिका के कई सैनिक बुरी तरह घायल हो गए। लेकिन हर किसी के मन में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ईरान ये सफल हमला कैसे कर सका? दुनिया के जिस भी कोने में अमेरिका का बेस होता है और अमेरिका के सैनिक होते हैं, कोई एयर स्ट्राइक सफल नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां पर अमेरिका अपने सैनिकों की जान की हिफाजत के लिए बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम लगाता है। लेकिन आखिर कैसे ईरान ने अमेरिका के एयर डिफेंस को फेल कर दिया? दरअसल अमेरिका ने सीरिया में अपने एयरबेस में शोराड एयर डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ है। शोराड यानी एवेंजर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। क्या है ये शोराड? जरा पहले इसकी तस्वीरें और मारक क्षमता पर गौर कीजिए। ये है अमेरिका का शोराड एयर डिफेंस सिस्टम। ज्यादातर जब अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम की बात आती है तो लोगों को पैट्रियट और नैसम्स के बारे में जरूर याद आता है, लेकिन अमेरिका का यह एयर डिफेंस शोराड भी अमेरिका की वायु रक्षा प्रणाली में अहम भूमिका अदा करता है। जरा देखिए शोराड से निकलने वाली मिसाइलें कैसे लॉन्चर से बाहर निकलकर दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल
ड्रोन या फिर फाइटर जेट्स पर हमला करके उनको नेस्तोनाबूद करने की क्षमता रखती है। शोराड एयर डिफेंस अपने लॉन्चरों से जो मिसाइलें लॉन्च करता है वो क्रूज मिसाइल को नष्ट करने में भी माहिर होती हैं। अमेरिका के सैनिकों की हिफाजत के लिए सीरिया में इस रक्षा प्रणाली की तैनाती 2021 के फरवरी महीने में की गई थी। इसमें एक समय में 4 राउंड फायर होते हैं। अमेरिका ने रूस के खतरनाक ड्रोन अटैक का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को भी एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है। इसके अलावा स्वीडन और नॉर्वे भी इस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका के एयर डिफेंस में भारी चूक की वजह से अमेरिका के कई सैनिक घायल हो गए और एक नागरिक भी मारा गया, लेकिन अमेरिका के अखबार अपने देश की छवि का बचाव करने में जुटे हुए हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि हमले के समय नाटो गठबंधन के एयरबेस की प्राथमिक वायु रक्षा प्रणाली पूरी तरह से चालू नहीं थी। अमेरिका के अखबारों की यह प्रतिक्रिया हास्यास्पद और पूरी तरह से हैरान करने वाली है। अगर एयर डिफेंस सिस्टम सही समय पर चालू ही नहीं हो पाए तो ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम से क्या फायदा है? यह अमेरिका की बहुत भारी चूक है। आइए जरा एक नजर दौड़ाते हैं कि आखिर ईरान के वो कौन से ड्रोन हैं जिन्होंने यूक्रेन के अंदर भी भारी तबाही मचाई और अमेरिका की नाक में भी दम करके रखा है। इसमें 3 ड्रोन शामिल रहे जिसमें मुहाजिर 6, शाहिद 129, शाहिद 191 ड्रोन शामिल है। ये ड्रोन सर्विलांस के साथ दुश्मन पर बम गिराने का काम कर सकते हैं। ईरान का ड्रोन शाहिद 191 अपने डिजाइन की वजह से काफी खतरनाक माना जाता है। शाहिद 191 ड्रोन की लंबाई 2.7 मीटर, विंग स्पैन 7.31 मीटर होती है। शाहिद 191 ड्रोन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 1500 किलोमीटर है। टारगेट को तबाह करने के लिए 100 किलो के 2 बम ले जा सकता है। ये कुल 500 किलो वजन के साथ उड़ान भर सकता है। शाहिद 191 ड्रोन 25,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। शाहिद 191 ड्रोन 4.5 घंटे तक उड़ सकता है। दुनिया ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी देखकर हैरान है, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तो ईरान की ड्रोन पावर के मुरीद बन चुके हैं। दरअसल ये तो ईरान के बदले की शुरुआत है। ईरान एक बदले की आग में जल रहा है। ये तस्वीर देखिए जो जनवरी 2020 में पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई थी, जब ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की आंखों में आंसू थे और जब ईरान के प्रधानमंत्री भी आंसू बहा रहे थे। ये तस्वीर उस घटना के बाद की है जब अमेरिका ने हेलफायर मिसाइल से जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी थी। तब से आज तक ईरान के सुप्रीम लीडर बदले की आग में जल रहे हैं। रूस की सरपरस्ती में ईरान अमेरिका और इजराइल पर हमले की पूरी तैयारी कर रहा है। अभी कुछ वक्त पहले ही ईरान के सरकारी टेलीविजन ने एक खतरनाक क्रूज मिसाइल के परीक्षण की तस्वीरें भी जारी कर दी थी। इतना ही नहीं, साल 2022 के नवंबर के महीने में भी ईरान ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण का दावा किया था। दरअसल ईरान ने तब भी यह दावा किया था कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसी है जो किसी भी एयर डिफेंस को भेज सकती है। ما به لطف الهی موفق شدیم به موشک بالستیک هایپرسونیک پیشرفته که قادر است در فضایی که مهمترین و پیشرفته ترین سامانه های سپر دفاع موشکی وجود دارد اونها عبور بکنه و همون سامانه ها رو در واقع سامانه های سپر موشکی رو که جز مهمترین ارکان دفاعی دشمن میتونه باشه اونها رو مورد هدف قرار بده. این سامانه دارای سرعت بسیار بسیار بالایی است و مانورپذیری در جو و بیرون جو رو داره، یعنی هم سامانه‌های فدافندی که در داخل جو دفاع می‌کنند و هم سامانه‌های فوق‌العاده گرون قیمتی که در بیرون جو مقابله می‌کنند با موشک‌ها. این موشک جدید جمهوری اسلامی ایران از همه اونها عبور می‌کنه و فکر نمی‌کنم تا ده‌ها سال بعد. ईरान की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को भी जान से मारने की धमकी दे चुका है। मिडल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक दोस्त तो इजराइल है और इजराइल को भी ईरान ने टारगेट पर ले रखा है।
इसराइल के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब यह क्रूज मिसाइल बनी हुई है, क्योंकि यह 1650 किलोमीटर तक वार कर सकती है, जबकि ईरान के वेस्टर्न बॉर्डर के पास मौजूद शहर खुर्रमाबाद से इसराइल की राजधानी जेरूशलम की दूरी सिर्फ और सिर्फ 1520 किलोमीटर ही है।